मौसम में गोंडा की जनता की नब्ज टटोलने के बाद जब हम यहाँ से निकलने लगे तो इस ऐतिहासिक जगह को देखकर कदम खुद ब खुद रुक गए। ये जगह स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी की शहादत की गवाह है। इसी जगह पर काकोरी कांड में चीन पुलिंग करने वाले क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। ये जगह ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये जगह गवाह है किस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई। ये फांसी का तख्ता गवाह है राजेंद्र लाहिड़ी के बलिदान का। राजेंद्र लाहिड़ी महान क्रांतिकारी, उन्हें गोंडा के जिला कारागार में बंद करके अंग्रेजों ने रखा था काकोरी कांड के बाद। काकोरी कांड में राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन पुलिंग का काम किया था, उन पर मुकदमा चलाया अंग्रेजों ने, उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की गई। लेकिन तय समय से दो दिन पहले अंग्रेजी हुकूमत इतनी घबरा गई थी राजेंद्र लाहिड़ी के बढ़ते प्रभाव से कि उन्हें तय समय से दो दिन पहले इसी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। फांसी की सुबह जब अंग्रेज अधिकारियों ने राजेंद्र लाहिड़ी से पूछा, आपको मौत से डर नहीं लग रहा, तो ठीक फांसी के तख्ते के नीचे आप देखिए क्या जवाब लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मैं मरने नहीं जा रहा बल्कि स्वतंत्र देश में जन्म लेने जा रहा हूं। ये देश हिंदुस्तान हमारा मुल्क जल्द स्वतंत्र होगा। जब भी गोंडा आइएगा इस धरती को नमन करिएगा क्योंकि ये धरती बलिदान की धरती है।